एक हलचल मचाती सहराई सल्तनत के कल्ब में सुल्तान हारून बादशाह रहता था। इसकी खुशहाली और हिकमत के किस्से दूर दूर तक थे। इसके दौरे हुकूमत में सभी लोग खुशहाल थे, लेकिन हम बिल्कुल भी खुशहाल नहीं है, क्योंकि खुशहाली काम करने से होती है। दुनिया एआई पे बगैर किसी काम के, बगैर किसी मेहनत के पैसा कमा रही है, लेकिन हमें वही एआई सिखाया जाता है जो कि मोनेटाइज भी नहीं होता, क्योंकि सिखाने वाले को भी नहीं पता। आज मैं आपको ये सिखाने जा रहा हूँ सिंपल सा, आसान सा तरीका कि किस तरह एआई से स्टोरी वीडियोज, मूवी वीडियोज क्रिएट की जाती हैं, बनाई जाती हैं। इसके 3-4 स्टेप्स हैं जिनसे गुजर कर ये बनती है। वो कि 3-4 स्टेप्स कौन से हैं, एक एक करके दिखाऊंगा आपके सामने, ये क्रिएट करूंगा एक एक चीज को। लेकिन अगर आप कुछ करना चाहते हैं, कुछ कमाना चाहते हैं, तो तब मिस्टर होगा अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो ना करो, कोई मसला नहीं, ठीक है। लेकिन वीडियो उन लोगों तक जरूर शेयर कर देना जिनको इस चीज की जरूरत है, जो कुछ करना चाहते हैं, ठीक है। लाइक आपकी मर्जी है, चलिए स्क्रीन पर। जी तो जनाब, अब मोबाइल की स्क्रीन हो या कंप्यूटर की, आपने सबसे पहले आ जाना है इस पे चैट जीपीटी पे, ठीक है। चैट जीपीटी पे आके फॉर एग्जांपल मैंने इसको कहा क्रिएट अ स्टोरी अबाउट मुस्लिम किंग हु वाज अ वेरी वाइस मैन, यानी कि एक मुसलमान बादशाह की कहानी सुनाओ जो कि बहुत अकलमंद था। तो इसने मुझे इंग्लिश में लिख दी। उसके बाद मैंने नीचे उसको वही कहा क्रिएट अ स्टोरी इन उर्दू अबाउट मुस्लिम किंग हु वाज वेरी वाइस मैन। हमेशा याद रखिएगा यहाँ पर क्रिएट अ स्टोरी लिखना है, राइट अ स्टोरी नहीं। क्रिएट अ स्टोरी इसलिए ताकि वो स्टोरी बना कर दे, ये नहीं कि कहीं और से उठा कर दे, ठीक है। तो इसको क्रिएट का कहना है। तो स्टोरी इसने क्रिएट कर दी। अब फॉर एग्जांपल आप इस उर्दू वाली स्टोरी को भी यूज कर सकते हैं और इंग्लिश वाली को, इंग्लिश में भी, इंग्लिश को भी उर्दू में सिंपली कन्वर्ट कर सकते हैं। इंग्लिश में इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इंग्लिश में ये ज्यादा बेस्ट लिख के देता है। और इसको आधी आधी करके आप कन्वर्ट करेंगे, फॉर एग्जाम्पल कंट्रोल सी करेंगे, गूगल पर आके लिखेंगे इंग्लिश टू उर्दू और यहां पर आगे इसको पेस्ट करेंगे तो साथ यहां पर ये उर्दू में आ जाएगी। इसके आगे नेक्स्ट स्टेप ये है कि आपने इसका एक एक इन द हार्ट ऑफ बर्स्टिंग डेसर्ट किंगडम, हलचल मचाती हुई सहराई सल्तनत के कल्ब में, हलचल मचाती हुई सहराई सल्तनत के कल्ब की हमने एआई इमेज जनरेट करनी है। फिर उस एआई इमेज को हिलाना जुलाना है और उस पर पूरी स्टोरी क्रिएट करनी है। किस तरह से, सबसे पहले अब हम इमेज जनरेटर पर चले जाते हैं। अब जनाब गूगल पर आके हम लिखते हैं अडोब एआई, ठीक है। अडोब एआई का हम यूज़ कर लेते हैं। एआई बहुत सारे हैं, ठीक है, पिक्सआर्ट का है, उसके अलावा यहाँ पर और भी बहुत सारे हैं। फॉर एग्जांपल ये प्लेग्राउंड एआई है, ठीक है, उसके अलावा पिक्सल्स का एआई है, मतलब बहुत सारे एआई हैं जहाँ से इमेज जनरेट आप फ्री में कर सकते हैं। तो हम अडोबी को यूज़ कर लेते हैं क्योंकि मुझे ये बेस्ट लगता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये देखें कि टेक्स्ट टू इमेज, ठीक है, क्रिएट विद फायरफ्लाई, इस पर क्लिक कर देते हैं हम जनाब। और इस पर क्लिक करने के बाद आपको साइन इन करना पड़ेगा। मेरा ऑलरेडी साइन इन हुआ हुआ है, ठीक है, नहीं हुआ तो अडोबी अकाउंट बना लेना सिंपल, या गूगल से लॉग इन कर लेना। अब जनाब क्या करेंगे, इन द हार्ट ऑफ बसलिंग डेजर्ट किंगडम, ठीक है, बसलिंग डेजर्ट किंगडम यानी कि सहरा के कल्ब में, इसको यहाँ से कॉपी कर लेते हैं सिंपली और यहाँ पे अडोब फायरफ्लाई पे आके यहाँ पर हम इसको पेस्ट कर देंगे, यानी कि हमें इसके रिलेटेड इमेज जनरेट कर दो। जनरेट के बटन पर क्लिक करेंगे और ये स्टेप लाजमी याद रखिएगा कि यहाँ स्क्वेयर की जगह यहाँ पर आपने वाइड स्क्रीन सेलेक्ट करना है और वाइड स्क्रीन के साथ ऊपर फोटो सेलेक्ट कर देंगे हम, ठीक हो गया जनाब। ये करने के बाद अब यहाँ पर ये आपको इमेजेस जनरेट करके देगा। ये जनाब हमें इसने इमेजेस जनरेट करके दी, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर बहुत सारी इमेजेस हैं जो आपको बेटर लगे, और अगर बेटर नहीं लग रही दोबारा जनरेट के बटन पर आप क्लिक कर सकते हैं। मैं फॉर एग्जांपल इस पर क्लिक करता हूँ, डाउनलोड के बटन पर क्लिक कर लेता हूँ। ये एक मुस्लिम किंग था, तो हम मुस्लिम किंग कॉपी करते हैं, यानी कि मुस्लिम किंग की कोई हमें, तो हमने इसे कह दिया कि मुस्लिम किंग सिटिंग ऑन चेयर एट कैसल, यानी कि अपने महल में वो कुर्सी पर बैठा हुआ है, हमें कुछ ऐसी पिक्चर चाहिए जिस तरह का आपके माइंड में आए, तो उस तरह की ये आपको इमेजेस जनरेट कर देगा। अगर अच्छी नहीं लग रही दोबारा क्लिक कर देंगे। तो ये एक पिक्चर आई है, ये मुझे थोड़ी प्यारी लग रही है, इसको मैं सिंपली डाउनलोड कर लूँगा। यहाँ पर साथ साथ आप उर्दू में भी इसको पढ़ सकते हैं और अपनी मर्जी के मुताबिक यहाँ से, अगर उर्दू वाला इंग्लिश वाला लफ्ज़ नहीं आ रहा तो उर्दू टू इंग्लिश में उसका लफ्ज़ भी देख लेंगे कि यहाँ पे कोई शान शौकत और खुशहाली का जिक्र है। पर तो यहाँ पर आके हमने लिख दिया पीपल इन फ्रंट ऑफ डेजर्ट कैसल, यानी कि सहरा के महल के सामने लोग, तो हमें कुछ इस तरह की चाहिए। इस तरह के आगे जो जुमले हैं उन जुमलों में जो जो आपको लग रहा है कि यार इसका ये सीन होना चाहिए, इसका ये सीन होना चाहिए, जैसे जैसे आपके माइंड में आए वैसे वैसे, यानी कि बादशाह बहुत वाइज था, बादशाह जो था वो बड़ा अकलमंद था, या उसको लाइब्रेरी में बुक्स पढ़ने का बहुत शौक था, तो यहाँ पर लिख देंगे, तो यहाँ पर उस हिसाब से पिक्चर्स आ जाएंगी। तो जिस जिस तरह का जुमला है उसमें से आपको जो भी लग रहा है उस तरह की पिक्चर्स जनरेट कर लेंगे। अब इसके बाद जनाब हमारा नेक्स्ट स्टेप जो है वो ये है कि हमने नया टैब ओपन कर लेना है, मोबाइल से या कंप्यूटर से कहीं से भी। यहाँ पर आपने लिखना है कन्वर्ट, ठीक हो गया, सबसे पहले कन्वर्ट, उसके बाद लिया पिक्स, LEIA स्पेस PIX,
ठीक हो गया, कन्वर्ट लिया पिक्स। इस पर जो पहला आएगा इस पर क्लिक कर देना है, कन्वर्ट डॉट लिया पिक्स डॉट कॉम। जनाब सिंपली यहाँ पर अपलोड के बटन पर क्लिक करना है और यहाँ पर जो पिक्चर्स आपने डाउनलोड की हुई हैं, फॉर एग्जांपल मैंने सबसे पहले ये पिक्चर डाउनलोड की है या ये पिक्चर डाउनलोड की है, इसको ओपन के बटन पर क्लिक करूंगा, ये पिक्चर अपलोड हो। अपलोडिंग के बाद आप इस पिक्चर को मूवमेंट दे सकते हैं, देखें जिस तरह ये पिक्चर हिल रही है, ठीक है। सबसे पहले एनिमेशन लेंथ, इसको कितना तेज़ करना है, यहाँ पर 1 सेकंड का ये देखें, ये ज़्यादा तेज़ हो गया, ठीक हो गया। 2 सेकंड, 3 सेकंड, 4 सेकंड, यहाँ पर कितना इसको मूवमेंट देना है, फॉर एग्जांपल ये मूवमेंट सबसे बेस्ट लग रहा है तो हम इसको ये मूवमेंट देंगे 4 सेकंड पे। उसके बाद एनिमेशन स्टाइल, हॉरिजेंटल में मूवमेंट देना है, वाइड सर्कल में मूवमेंट देना है, सर्कल में मूवमेंट देना है, टाल सर्कल, वर्टिकल, प्रोस्पेक्टिव। अब जो हमारी स्टोरी को सूट कर रहा होगा, जिस जुमले पे जो यहाँ पर एनिमेशन सूट कर रही होगी, हम उसको वो दे देंगे, बिल्कुल फ्री में हो रहा है। इसके बाद अमाउंट ऑफ मोशन, रेगुलर, मोर, कितनी यहाँ पर लेस, रेगुलर, मोर, यहाँ पर रेगुलर हम कर देंगे। ये मोर मूवमेंट किया तो ये देखें ये कितना प्यारा खूबसूरत हिल रहा है, हम इसको इतनी मूवमेंट देते हैं। उसके बाद फोकस पॉइंट, इसका सेंटर में फोकस रखना है, साइडों पे, फार या क्लोज, दूर फोकस रखना है, दूर फोकस हो जाएगा। उसके बाद डेप्थ मैप है, डेप्थ मैप में पहले आप एरिया सेलेक्ट कर लेंगे जनाब, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं ये बादलों को हिलाना चाहता हूँ तो मैं ये बादल सारे जो हैं इनको सेलेक्ट करूंगा कि ये बादल भी मूव करें, ठीक हो गया। ये बादलों को मैंने सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद डेप्थ मैंने इसकी कर ली, उसके बाद साइज इसका कर लिया, उसके बाद हार्डनेस इसमें कितनी रखनी है। आप प्रीव्यू के बटन पर क्लिक करेंगे तो ये देखें बादल भी हिल रहे हैं, ठीक है, जो पहले नहीं हिल रहे थे। तो यहां से आप ये भी कर सकते हैं, सिंपली ये कर लिया, शेयर के बटन पर क्लिक करना है जनाब, सिंपली ये करके, और उसके बाद MP4 के बटन पर क्लिक कर देना है, सेव के बटन पर क्लिक कर देना है, ये आपके पास सेव हो जाएगी। अब इसी तरह जो हमने बाकी ये डाउनलोड किए हुए हैं इनको भी मैं मूवमेंट दूंगा, ठीक है, अपनी मर्जी की, जिस तरह की आप चाहते हैं उस तरह की हर पिक्चर को मूवमेंट सारी मैंने आपको बता दी है। अब आपने सारे क्लिप्स को एनिमेट कर लिया और डाउनलोड कर लिया, इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है, सिंपली आपने जो इंग्लिश टू उर्दू में ये कन्वर्ट की थी उसको आना है, और आपके मोबाइल फ़ोन में एक वॉइस रिकॉर्डर होगा, नहीं है तो एप्लीकेशन डाउनलोड कर लें, सभी के मोबाइल फ़ोन में होता है खैर, उस पर बटन क्लिक करना है और आराम से चूँ चरा बच्चों की आवाज़ ना आए किसी साइट पे जाके आपने वॉइस रिकॉर्डिंग करनी है। अगर आप अपनी वॉइस रिकॉर्डिंग नहीं करेंगे तो आपका चैनल मोनेटाइज नहीं होगा, क्योंकि कुछ भी आपका अपना नहीं है, फिर बाद में ना कहिएगा। अब वॉइस रिकॉर्ड करने के बाद आप अपने मोबाइल फ़ोन में कैपकट, काइन मास्टर या लैपटॉप कंप्यूटर में कोई भी वीडियो एडिटिंग का सॉफ्टवेयर ओपन करते हैं, कोई भी वीडियो एडिटिंग का सॉफ्टवेयर है आप उसको ओपन कर सकते हैं, सभी में ये काम होता है। सिंपली आगे पिक्चर्स लगानी है, नीचे वॉइस लगानी है और कुछ और लगाना है, वो क्या बताता हूं। अब आपने जो सिंपली एनिमेशन की वीडियोज बनाई थी उनको डाउनलोड किया था वो यहां पर डाल देनी है, ठीक हो गया जनाब। और उसके बाद सीक्वेंस वाइज आपने यहां पर पहली, ठीक है, उसके बाद दूसरी और दूसरी के बाद तीसरी। अब नीचे कोने में अडोब फायरफ्लाई का आइकन आ रहा है, इसको कैसे रिमूव करना है, बहुत ही सिंपल सी चीज़ है। आप सिंपली गूगल में नेम बार या इस तरह का कुछ भी सर्च कर सकते हैं, इमेजेस में आएंगे और यहाँ पर आगे आपने PNG लिखना है, ठीक। तो फॉर एग्जांपल ये एक PNG वाली है, इसको सिंपली यहाँ से सेव इमेज कर लेते हैं, इसको भी हमने प्रीमियर पे डाल दिया और इसको ऊपर आके सभी जितने भी क्लिप्स हैं उन ऊपर सेलेक्ट कर लेंगे। अब इसको यहाँ पर हम छोटा कर लेंगे और छोटा करके यहाँ पर कोने पे जहाँ पर लोगो आ रहा है यहाँ पर रख के ऊपर कहानी का नाम लिख देंगे, द वॉइस किंग, मैंने इसको ये रख दिया, आप उर्दू में भी रख सकते हैं, इसको बड़ा छोटा एडजस्ट करके इसको नाम दे देंगे, सही हो गया जनाब। अब इसको आप पूरे इस पे रख सकते हैं जनाब, ये पूरी स्टोरी पे। अब नीचे जो आपने साउंड रिकॉर्ड की थी उस साउंड को डाल देंगे, ठीक हो गया, ये लाजमी याद रखिएगा, इस साउंड को डालना है, इसके बाद भी एक चीज़ डालनी है। साउंड डालने के बाद जहाँ जहाँ पर आपका जो जो क्लिप मैच कर रहा है, अब मैं यहाँ पर ऑडियो भी चलाऊंगा तो मेरी अपनी भी आवाज़ चल रही है तो ये सारा मिक्सचर हो जाएगा, आपको समझ नहीं आएगी। तो यहाँ पर जहाँ जहाँ आपकी फॉर एग्जाम्पल सहराई सल्तनत के कल्ब में यहाँ तक आ रहा है तो उसके बाद नेक्स्ट क्लिक इसको छोटा बड़ा भी फ्रेम को कर सकते हैं, अगर ज़्यादा आवाज़ चल रही है तो इस फ्रेम को डबल कर लें, ठीक हो गया, या कोई और फ्रेम डाल लें। और जहाँ जहाँ पर जो साउंड सूट कर रही है, अगर बीच में आपने कुछ गलत बोल दिया है तो सिंपली यहाँ से आप कट ले लेंगे, कट मार देंगे। कैप कट में मोबाइल फ़ोन में स्प्लिट का ऑप्शन है, स्प्लिट पे दबाएंगे वो बीच में से कट जाएगा, उस क्लिप को डिलीट कर देंगे, सिंपल सी बात है। तो यहाँ पर जो क्लिप हैं साउंड के इसको इसके हिसाब से एडजस्ट कर लें। अब जनाब ये हमारे क्लिप एडजस्ट हो गए, अब हम सिंपली क्या करेंगे, YouTube स्टूडियो में आ जाएंगे। YouTube के स्टूडियो में आके आप यहाँ पर ऑडियो लाइब्रेरी में आएंगे, ऑडियो लाइब्रेरी में आने के बाद यहाँ पर आप कोई भी म्यूज़िक बैकग्राउंड डाउनलोड कर सकते हैं अपने उसके हिसाब से। साउंड इफेक्ट आपको चाहिए, अब जिस तरह डेजर्ट की जो हवा होती है उसकी मुझे साउंड इफेक्ट चाहिए, मैं इसको डाउनलोड कर लूँगा, ये 4-5 मिनट के जो एक स्टोरी में अच्छी खासी बन जाती है, ये साउंड इफेक्ट है। उसके अलावा म्यूज़िक में यहाँ आप कुछ भी सर्च कर सकते हैं, कॉपीराइट फ्री होता है। तो जनाब हमारी ये स्टोरी कंप्लीट हो चुकी है, अब हम
सिंपली इसको सेव कर देंगे, एक्सपोर्ट कर देंगे, जिस तरह भी आप मोबाइल फोन में लैपटॉप में करना चाहें। आखिर मैं आपको थोड़ी सी झलक दिखा देता हूँ, 11 मिलियन व्यूज़, 53 मिलियन व्यूज़, 2.1 मिलियन व्यूज़, 209 मिलियन व्यूज़, 2.7 मिलियन व्यूज़। हम खुद भी ये काम कर रहे हैं, आपने मेरे फोल्डर्स में भी देख रहा होगा। बाकी अब आपकी मर्जी है, आपने कमाना है, इसमें क्या काम है भाईजान। वीडियो के अंदर ही मैंने आपको वीडियो बना दी है, दिन में 50 बैठ के क्रिएट करो ना, खुद सामने आना है, लड़की हो लड़का हो कुछ भी हो, और ये पूरी दुनिया से ट्रैफिक आती है, सिर्फ पाकिस्तान से नहीं। इसमें बहुत अच्छी कमाई है, लेकिन अगर आपने करना हो तो। जी तो जनाब, मज़ा आया? मजे लेने के लिए वीडियो बनाता ही नहीं मिस्टर राव, काम करने के लिए बनाता है। अब काम स्टार्ट कर दो, मेहनत स्टार्ट कर दो, और ऐसा नहीं है कि 10 दिनों में 15 दिनों में डॉलरों की बरसात होने लग जड़ेगी। यहाँ पे मेहनत सिखाई जाती है, जेन्युइन काम सिखाया जाता है, यहाँ व्यूज के लिए कुछ नहीं किया जाता। मेहनत करो, काम करो, अभी से शुरू कर दो, ताकि इंशाल्लाह 6 महीने बाद जब मिलो तो कुछ काम कर रहे हो। ठीक है, मिलते हैं इंशाल्लाह अगली एक और अमेजिंग वीडियो के साथ, अमेजिंग और जेन्युइन मेथड के साथ। तब तक के लिए अपना और अपने पैर को बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टिल नेक्स्ट वीडियो, दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।